हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने इनऑर्गेनिक एनालिसिस किया था। आज जो डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनिक एनालिसिस। देखिए, ऑर्गेनिक एनालिसिस क्या होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में कैसे डिटेक्ट करते हैं, और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लैब में आइडेंटिफाई करते हैं? नंबर 1, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ऑक्जेलिक एसिड। ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लैब में डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अल्कोहल्स और कार्बोक्जेलिक एसिड, ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हम लैब में आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अल्डिहाइड क्या होता है? जैसा अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास एक ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उस ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए, इसके पास भी मौजूद है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड पे क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, जिसे रेडिकल भी कहा जाता है, रेडिकल भी कहते हैं और अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का, देखे, दिस वन इज कॉल कार्बोनाइल, सी डबल बोन ओ को कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड पे आर और दूसरा साइड पे एच, एच मीन हाइड्रोजन, अगर एक साइड पे रेडिकल होगा, या अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, अगर कार्बोनाइल ग्रुप का एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अगर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप का दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों साइड पे क्या होगा? देखिए, अल्काइल ग्रुप होगा, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप होगा। अब हमें अल्काइल ग्रुप, देखिए, दोनों साइड पे अल्डिहाइड का एक साइड पे आर होगा और कीटोन का दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप के लिए अगर हमें इसको डिटेक्ट करना है लैब में, अल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अल्डिहाइड का नेमिंग कैसे होगा? देखिए, अगर हमारे पास अल्डिहाइड, अगर सिंगल एच भी हो सकता है, जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, अगर एक साइड पे एच और कार्बोनाइल ग्रुप का दूसरे साइड पे भी एच होगा, एक कार्बन मौजूद होगा, इसकी नेमिंग लास्ट में क्या इस तरह के नेमिंग होगी? मिथनल होगा, MeThNL, मिथनल, लास्ट में AL आएगा। अगर हमारे पास एक साइड पे CH3 है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एच लगा हुआ है, इसका नाम इथनल होगा, और इसी तरह इसका प्रोपानल होगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड, इसका नाम लास्ट में क्या रहा? प्रोपानल। जब भी लास्ट में मिथनल, इथनल, प्रोपानल, एल आएगा, वो आपके पास अल्डिहाइड कहलाएगा। कीटोन किसे कहेंगे? कीटोन को आइडेंटिफाई या कैसे कम नेमिंग कैसे होगी? लास्ट में 1 आएगा, देखे, CH3 सी डबल बोन ओ CH3, एंड देन दिस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोपानोन होगा, लास्ट में नेमिंग में प्रोपानोन। इसका ब्यूटानोन, अगर 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, ब्यूटानोन होगा, प्रोपानोन, लास्ट में जिस ग्रुप के भी लास्ट में 1 आएगा, देन दिस इज कॉल्ड कीटोन। अल्कोहल का क्या होगा? देखिए, अल्कोहल हमारे पास जो होगा, अल्कोहल का एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। व्हेन अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड ओएच ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप ओएच ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहलिक ग्रुप। ओएच ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। ओएच, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, अगर हमें नेमिंग करनी होगी तो नेमिंग कैसे करेंगे? सी एच थ्री आर के जगह में, अल्काइल ग्रुप के जगह में, अगर मैं सी एच थ्री डाल दू, सी एच थ्री ओ एच, नेमिंग में होगा, लास्ट में ओ एल आएगा, और इसका नाम होगा मिथनोल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मिथनोल। वेन 2 कार्बन आर प्रेजेंट, देन दिस इज कॉल्ड इथेनोल। 3 कार्बन आर प्रेजेंट इन अ कार्बन चेन, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड प्रोपानोल। एंड 4 कार्बन आर प्रेजेंट इन कार्बन चेन, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड ब्यूटानोल होगा। अब लास्ट में हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास
एक अल्काइल ग्रुप के साथ सी डबल ओ एच ग्रुप, ठीक है। अगर हमारे पास सी डबल ओ एच ग्रुप, जब भी लास्ट में सी डबल ओ एच आएगा, वो हमारे पास कार्बोक्सैलिक एसिड होगा। कार्बोक्सैलिक एसिड की नेमिंग कैसे होगी? लास्ट में मिथानोइक एसिड मीन एक अगर एच प्रेजेंट होगा, ये एच अल्काइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। हमारे पास इसका फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमेशा एन जीरो से शुरू होता है। आपने P2 में पढ़ा होगा, P2 में आपको सर ने डिटेल से डिस्कस किया होगा। एच कब होता है? जब हमारे पास एन जीरो से शुरू होता है, इस टाइम पे हमारे पास मिथानोइक एसिड बन जाता है। अगर हम एन के जगह में वन पुट करें तो इथानोइक एसिड होगा। और लास्ट में देमिक में देखें ओइक एसिड लगा रहे हैं, जब भी ओइक एसिड आएगा वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। देखें ये हमारे पास ये फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज फोर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड या आर आइडेंटिफाइड इन लेबोरेटरी। तो अब हमें अगर एल्डिहाइड और कीटोन है, अब हमें इन दोनों को चेक करना है। जैसे अगर मुझे दो केमिकल देखे, अब सामने यहां पे दिखा रहा हूं, देखे यहां पे ये मेरे पास दिए गए हैं इन ही रीजन्स। देखे कलरलेस कंपाउंड है, ये कलरलेस कंपाउंड नजर आ रहे हैं सबको। देखे Fe5 Fe6 एंड Fe7, Fe5 Fe6 Fe7। अगर मुझे तीन केमिकल दिए गए हैं, मुझे किसी में आइडेंटिफाई करना है अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फोर्थ वन भी यहां भी एक रखा हुआ है, देखिए केमिकल को इन्हीं अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। देखिए आप यहां से डिस्कस कर रहे हैं दोबारा कि कार्बोनाइल कंपाउंड से। अब यहां पे देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ये देखे यहां पे मैंने क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ। अगर मैं बात करूं सी डबल बॉन्ड ओ की, तो कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन, ए अल्डिहाइड है ये कीटोन है। इन दोनों के पास कार्बोनाइल, उसके पास अल्डिहाइड के पास और कीटोन के पास, दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपको लैब में पूछा विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या केमिकल टेस्ट, देखे केमिकल टेस्ट क्या होगा इन दोनों का, तो पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन उठाएंगे, उसी सोल्यूशन में 2,4-DNPH डालेंगे, ये सोल्यूशन का नाम है, ठीक है, 2,4-DNPH। जब आप किसी अननोन सोल्यूशन में, इन चारों सोल्यूशन में से किसी में अगर इन चारों में चार टेस्ट ट्यूब में लेके इन्हीं में इसी टेस्ट इन टेस्ट ट्यूब में अगर 2,4-DNPH ऐड करेंगे, तो अगर 2,4-DNPH ऐड करने पे अगर आपके पास ऑरेंज प्रिसिपिटेट या येलो प्रिसिपिटेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया सोल्यूशन कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा किसके साथ रिएजेंट, क्यों कौन सा टेस्ट करेंगे, 2,4-DNPH ऐड करेंगे। अगर ऑरेंज प्रिसिपिटेट आ रहे हैं या येलो प्रिसिपिटेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हमें आइडेंटिफाई करना या डिफ्रेंशिएट करना है कि अल्डिहाइड और कीटोन को, देखिए अगर ये है मेरे पास अल्डिहाइड, ये है मेरे पास कीटोन, क्योंकि दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप है, अगर मुझे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले अल्डिहाइड के साथ जो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे उन्ही रिएजेंट्स का नाम है टोलिन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। लेकिन हमारे कोर्स में ज्यादा मैक्सिमम एग्जामिनर ये टेस्ट करवा देता है कि ये नहीं करवाते, रेयर केसेस में करवा सकते, इसलिए मैंने यहां पर आपको समझा दिया फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये रेयर केसेस में हो सकता है। लेकिन जो आपके पास करवाया गया एग्जामिनर ये टेस्ट करवा देता है हमेशा टोलिन रिएजेंट के साथ। अगर आपने सॉल्यूशन उठाया उसमें टोलिन रिएजेंट ऐड कर लिया, अगर सिल्वर मिरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सॉल्यूशन कंटेन एल्डिहाइड। अगर आपके पास फिलिंग सॉल्यूशन उठा के डालोगे किसी अननोन सॉल्यूशन में, अगर रेड रिंग फॉर्म हो रही है, जैसा ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, दिस वन इज अ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, अगर टेस्ट ट्यूब में यहां पे सोल्यूशन ऐड कर लिया, सोल्यूशन ऐड करने के बाद और इसी में आप सिल्वर मिरर डाल रहे हो, ये सिल्वर सोल्यूशन डाल रहे हो, सिल्वर टोलिन रिएजेंट, सॉरी टोलिन रिएजेंट डाल रहे हो, अगर टोलिन रिएजेंट डालने के बाद इसी सोल्यूशन के अपर लेवल पे इसी तरह
इसी तरह की रेड रिंग फॉर्म हो रही है, इसी तरह की, देन इस तरह की रेड रिंग फॉर्म होगी, देन सोल्यूशन कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। समझ आ गया? यहां तक ये है हमारे पास। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पढ़ लिया। अगर मुझे टेस्ट करना है अल्कोहल का, देखिए अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर मुझे अल्कोहल का टेस्ट करना है तो मैं यहां पे देखे अल्कोहल का कैसे टेस्ट करेंगे। अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए अगर मुझे अल्कोहल टेस्ट करना है, किसी अननोन सॉल्यूशन में अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले आप सॉल्यूशन उठाएंगे, इसी सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, KMnO4 यूज करेंगे। KMnO4 एसिडिफाइड होना चाहिए। KMnO4 क्या करेंगे, एसिडिफाइड। ये KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। अगर हमें सैंपल में सॉल्यूशन में KMnO4 एसिडिफाइड, KMnO4 मस्ट बी एसिडिफाइड, यहां याद रख लेना, ये एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड अगर नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ जैसा इस तरह लिखा हुआ है KMnO4, अगर इस तरह दिया हुआ KMnO4 यहां एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 1 to 2 ड्रॉप्स आपके H2SO4 के डालेंगे, इसी सॉल्यूशन में H2SO4 के 1 to 2 ड्रॉप्स डालेंगे ताकि ये KMnO4 एसिडिफाइड होगा। अगर एसिडिफाइड सॉल्यूशन में डालेंगे KMnO4 तो ये क्या होगा, पर्पल कलर डिसअपियर होगा। जिसमें अल्कोहल होगा वो पर्पल कलर क्या करेगा, पर्पल कलर कलरलेस कर देगा। अगर ये पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन कंटेन अल्कोहल, सॉल्यूशन कंटेन अल्कोहल। अगर सॉल्यूशन में KMnO4 डाल दिया, पर्पल कलर का KMnO4 होता है, पर्पल कलर क्या करेगा, डिसअपियर। तो एग्जामिनर यहां पे ये भी पूछ सकता है कि अगर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KMnO4 या व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ KMnO4, तो आपने याद रखना है KMnO4 एक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। कौन सा एजेंट एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, और उसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसका फंक्शन क्या होगा, और इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसका फंक्शन एक्ट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यह बात याद रखना है यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट वन देखे, लास्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करना है तो यहां पे देखे, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में इनऑर्गेनिक में कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करना है। अगर हमें एसिड को चेक करना है तो एसिड का एक सिंपल टेस्ट तो यह बताया था कि इसमें कार्बोनेटेड करेंगे। अगर कार्बोनेटेड करेंगे तो यहां पे क्या होंगे, एफर्वेसेंस आ जाएंगे, यहां लिखोगे एफर्वेसेंस, या यहां पे फिजिंग होगी, और यहां पे या बबल्स फॉर्म होंगे। देखिए अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड है चेक करना है तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन उठाएंगे, उसमें कार्बोनेट डालेंगे। ये पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी। यहां पे फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर मैं सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई भी कार्बोनेट ऐड करूंगा, अगर उसमें एफर्वेसेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब यहां पे हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दो एसिड दे सकता है। यहां पे देखें, अब हमारे पास दो एसिड कौन से, एक है मिथानोइक एसिड, एक है हमारे पास इथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH, गौर से याद रख लेना यह बात, एक है CH3COOH। तो पहले तो दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, लेकिन यहां पे देखे एक HCOOH, देन दिस एसिड इज कॉल्ड मिथानोइक एसिड और कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास इथानोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अगर इन दोनों को, अगर ये एसिड दे रहा है तो इसमें देखे HCOOH, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए यहां पे, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए यहां पे, तो देखे मैं इसको यहां पे, अगर मुझे एसिटिक एसिड CH3COOH इसका ये है। देखे अगर ये कार्बोनेट ऐड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ये भी देगा पॉजिटिव रिजल्ट ये भी, लेकिन अगर हमें KMnO4 से करवाएगा तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये मिथानोइक एसिड है या इथानोइक एसिड है। ये जो है हमारे पास फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड, ये KMnO4 के साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कैसे,
क्योंकि ये OH ग्रुप इसके साथ भी है, लेकिन OH ग्रुप इसके साथ भी, ये KMnO4 के साथ पॉजिटिव प्रेजेंट नहीं दे रहा है, ये KMnO4 के साथ पॉजिटिव प्रेजेंट दे रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे पास इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ यहां पे एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ क्या है, अल्फा कार्बन के साथ यहां पे अल्फा बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के साथ देखो इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं H एंड H और H इस तरह लिख सकता हूं। अब यहां पे देखे देन दिस अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, अगर हम इसको देखें तो इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, बल्कि बीटा कार्बन मौजूद है। ये बीटा कार्बन जो है इसको KMnO4 के साथ ब्रेक करने नहीं दे रहा है, तो मीन यहां पे बल्कि ग्रुप अटैच है, क्या है, बल्कि ग्रुप अटैच है, तो जिसकी वजह से ये KMnO4 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, ये वाला हमेशा देगा। जब भी अगर आपको KMnO4 के साथ टेस्ट करवा के आपको मिथेनोइक और इथेनोइक पूछ रहे तो उस टाइम पे याद रख लेना मिथेनोइक एसिड KMnO4 के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मीन पर्पल कलर डिसअपीयर करेगा, लेकिन ये इथेनोइक एसिड नहीं करेगा। अगर आपको देखो यहां पे तो हमारे पास कंफ्यूजन हो गई कि भाई अल्कोहल भी KMnO4 के साथ देगा, मिथेनोइक एसिड भी देगा, तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? इनको डिफ्रेंशिएट करने का टेक्निक ये होगा कि आप कार्बोनेट से चेक करेंगे, अगर कार्बोनेट के साथ एफर्वेसेंस आ रहे हैं तो मिथेनोइक एसिड है, अगर कार्बोनेट के साथ एफर्वेसेंस नहीं आ रहे तो वहां पे अल्कोहल है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक टेस्ट जो हम लैब में आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करेंगे, लेकिन आप कैसे परफॉर्म करेंगे इसको, परफॉर्म करने का टेक्निक अभी मैं दिखा रहा हूं इसी वीडियो में, आपने गौर से समझना है और जो लिखा है इसको एक दफा नोट भी करना अपने पास। देखिए अब कैसे परफॉर्म होगा, हमने तो यहां थ्योरेटिकल पोर्शन इस तरह पढ़ा, अब हमें हम परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। देखिए बुकलेट जो आपको दिया हुआ, इस बुकलेट का जो आपके पास पेज नंबर है 121 पे, पेज नंबर 121 पे एक एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट में देखे, उसी एक्सपेरिमेंट में मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं, देखे उसी एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या होगा, यहां पे देख लेना गौर से समझ लेना, वो एक्सपेरिमेंट किस तरह दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि यहां पे आपके सामने इस तरह का टेबल बना हुआ है, यहां पे उसी टेबल में आपके पास देखे यहां है आपके पास तीन कॉलम बने हुए, ये हमारे पास FB5, FB6, FB7 और ये आपके पास ऑब्जर्वेशन कॉलम है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर FB5 है, FB6 है, FB7 है, दीज थ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स, ये क्या देखें हमारे पास एक FB5 है, यहां पे ये देख लेना FB5 है, FB6 है एंड FB7 है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहां किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही हो सकता, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड और या कीटोन और या अल्कोहल, हाउ आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पे देखना FB5 है, FB6 एंड अब हमें क्या करना है, कीटोन आइडेंटिफाई करना है। पहले आप क्या करेंगे, बिफोर स्टार्टिंग योर ऑर्गेनिक एनालिसिस, आपने इसको स्टार्ट, आपने पहले क्या करना है, यहां पे देखें पहले इसी को कहते हैं, यहां पे आपने एक बीकर ले लिया 500 सीएम क्यूब या 250 सीएम क्यूब बीकर एग्जाम में आपको मिलेगा, इसी बीकर में आप वाटर बाथ बनाएंगे। कैसे वाटर बाथ बनाएंगे, आप इस तरह का एक बीकर लेंगे, टेक अ 250 सीएम क्यूब बीकर, 250 सीएम क्यूब वाटर, अब बंसन बर्नर के जरिए इसको हीट करेंगे, देखे ये बंसन बर्नर है, इसको हीट करके कितना डिग्री होना चाहिए, यहां पर आप थर्मामीटर रखेंगे, इस थर्मामीटर के जरिए चेक करेंगे कि ये कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री तक, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पे देखे हम जब इनऑर्गेनिक सॉल्ट कर रहे थे वो डायरेक्ट बंसन बर्नर पर हीट कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगे वो रिफ्लक्स करेंगे, रिफ्लक्स कैसे करेंगे,
जैसा रिफ्लक्स करने का टेक्निक बता रहा हूं, देखे रिफ्लक्स कैसे करेंगे, ये आपने क्या करना है, अब FB5 FB6 और FB7 एक्सपेरिमेंट नंबर है पेज नंबर 121 पे। अब 121 में FB5 FB6 FB7 में पहले हमने क्या किया, हीट करके वाटर बाद बना लिया, कितना डिग्री पे बना लिया, 60 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम। अब 60 डिग्री पे ये टेम्परेचर हमने बना लिया, देन दिस इज कॉल्ड हॉट वाटर बाथ, इसे हॉट वाटर बाथ कहते हैं। अब इस वाटर बाथ में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना है, FB5 FB6 FB7 हमें हाइट कीटोन और अल्कोहल को चेक करना है। करने के लिए अल्डिहाइड और कीटोन को चेक करने के लिए एग्जामिनर बोले टोलीन रिएजेंट के जरिए करो, वहां पे आपको बोला है किस टेस्ट के जरिए करना है, टोलीन रिएजेंट TOLLENS टोलीन रिएजेंट। टोलीन रिएजेंट होता क्या है, कैसे बनाएंगे, ये आपको मिलेगा नहीं, आपने खुद बनाना है। इसका बनाने का टेक्निक देखे, मैं बना के दिखा रहा हूं, ये सबसे पहले हमने ले लिया, देन दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब कहलाती है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। अब बॉइलिंग ट्यूब में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये किया कि 2 cm³ अप्रोक्सीमेट 2 से, इसमें क्या किया 2 से 3 cm³ 2 cm³ 2 cm³ AgNO3 ऐड कर लिया, प्लस इसमें क्या करना है 1 to 2 drops मीन इतना ऐड करना है कि इसमें ब्रोन प्रेसिपिटेट आएंगे, क्या ऐड करना है रिएजेंट देख ले, रिएजेंट का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड करेंगे, कितना 1 to 2 drops ऐड करेंगे, कब तक ऐड करेंगे, देखे ब्राउन प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हो गए। अब ब्राउन प्रेसिपिटेट के ऊपर आपने क्या ऐड करना है, एक्वस अमोनिया ऐड करना है, ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर, जब तक ये ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर नहीं होते हैं तब तक आपने ऐड करना है, देखे 1 to 2 शेक करना है, फिर 1 to 2 drops ऐड कर ले, शेक कर ले, फिर 1 to 2 drops ऐड कर लिया, शेक कर लिया, देखे कब तक ऐड करना, ज्यादा एक्सेस में अमोनिया ऐड नहीं होना चाहिए, एक्सेस में ऐड नहीं होना चाहिए, जब तक कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनता अब तक ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन बना, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलीन रिएजेंट। दोबारा बता रहा हूं कैसे कर लिया, सबसे पहले मैंने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, उस सिल्वर नाइट्रेट में 1 to 2 drops सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के मिक्सचर में 1 to 2 drops NH3 डाला। अब अमोनिया डालने पे ये ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो गया, अनटिल द ब्राउन प्रेसिपिटेट डिसअपियर होने तक आपने ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना इस सॉल्यूशन का टोलीन रिएजेंट, अब यहां पे टोलीन रिएजेंट किसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहां पे देखे किसके साथ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हमेशा अल्डिहाइड के साथ देगा, किसके साथ देगा, अल्डिहाइड के साथ। अब टोलीन रिएजेंट बनाने के बाद क्या करेंगे, 3 test tube उठा रहा हूं मैं, 3 test tube उठा लिया। अब 3 test tube उठाने के बाद एक में देखे, एक में मैंने FB5 ले लिया, एक में FB6 ले लिया, एक में क्या लिया FB। अब करने के बाद FB5 FB6 FB7 तो अब हमें क्या ऐड कर, क्या दिखाना है कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, क्या ऐड करूंगा तीनों में, देखे मैंने टोलीन रिएजेंट जो बनाया है टोलीन रिएजेंट ऐड कर रहा हूं, क्या चेक करने के लिए कि इसमें अल्डिहाइड किस में मौजूद होगा, कि अल्डिहाइड मौजूद है या नहीं है, देखे तीनों में ऐड कर लिया, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, इफ पॉजिटिव रिजल्ट इज नॉट सीन, तो आपने क्या करना है, फिर इनको वाटर बाथ में लेके आना। देखे तीनों टेस्ट ट्यूब को उठा लिया, मैंने वाटर बाथ में रखा, देखे वाटर बाथ में रखा FB5 FB6 FB7 को,
यहां पे देख लेना कि वाटर बाथ में ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखे दो में रिजल्ट आ गया है, दो में रिजल्ट आ गया, एक FB7 में भी आ गया, FB5 में अभी आ गया, FB6 में भी आ गया, लेकिन जो FB7 है देखे FB5 में क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पे देखे क्लियरली नजर आ रहा है, सिल्वर मिरर है, देखे क्लियर नजर आ रहा है, इफ में सिल्वर मिरर नजर आ रहा है, देखे टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर, बिल्कुल सिल्वर मिरर बना हुआ है, यहां पर सिल्वर नजर आ रहा है, इसमें देखे जस्ट FB7 में ब्लैक सोल्यूशन फॉर्म हुआ है। अब FB6 में नो चेंज आया है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, अब यहां पे आप आ जाएंगे FB5 में, ऑब्जर्वेशन टेबल में आएंगे, FB5 में सिल्वर मिरर फॉर्म, सिल्वर मिरर फॉर्म, इसमें नो रिएक्शन लिखेंगे या नो चेंज लिखेंगे, इसमें ब्लैक सोल्यूशन फॉर्म लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ब्लैक सोल्यूशन फॉर्म लिखेंगे। अब यहां पे देखो किस वजह से यहां पे ब्लैक हुआ हुआ है, अब यहां पे हम उसको करने के लिए FB6 का, अब FB5 से हमने टोनिन रिएजेंट के जरिए कर लिया, तो FB5 में सिल्वर मिरर आ रहा है और इसमें ब्लैक आ रहा है, ये ब्लैक क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो FB7 है बेसिकली क्या है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल कैसे मुझे आइडेंटिफाई होगा, मैं सेकंड टेस्ट करके बता रहा हूं कैसे होगा। अब मेरे पास FB5 आ गया तो सेकंड एग्जामिनर बोले कि यहां पे इसी टेस्ट में, इसी में सेकंड टेस्ट में आपने क्या करना है, सेकंड टेस्ट में आपने, सेकंड टेस्ट में यहां पे नो रिएक्शन होगा और यहां पे ब्लैक सॉल्यूशन। अब सेकंड टेबल में आप क्या करेंगे, अब यहां पे KMnO4 के साथ करेंगे, अब KMnO4 के साथ एग्जामिनर FB5 का टेस्ट नहीं करवा रहा है, FB5 का टेस्ट यहां पे इस तरह मार्क किया हुआ देखे 121 पे पेज में, आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट में इसमें क्या किया हुआ, ब्लैक शेड बना के इसको परफॉर्म नहीं करवा रहा है, अब आपसे FB6 और FB7 परफॉर्म करवा रहा है, एक FB6 एक FB7, अब हमें FB6 और FB7 परफॉर्म करवा रहा है, तो जब इस तरह करेगा तो इसमें क्या करना है, पहले दोनों में H2SO4 के ड्रॉप डालना है, इसमें भी FB6 में भी FB7 में भी एसिडिफाई कर लिया, अब इसमें क्या करेंगे, KMnO4 ऐड करेंगे, देखे KMnO4 ऐड कर लिया मैंने, अब के बाद यहां देखे KMnO4 मैंने ऐड कर लिया, दोनों में रिजल्ट पर्पल कलर आ रहा है, मीन कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा दोबारा इस वाटर बाथ में रखूंगा, यहां पे देखे वाटर बाथ में रखूंगा, यहां पे देखे इसमें हमारे पास FB7 में पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है, कोई और कलर आ रहा है, FB6 में पर्पल कलर रिमेंस द सेम है, देखे नजर आ रहा है FB6 इस तरह ही है, पर्पल कलर रिमेंस द सेम, FB7 में चेंज आ रहा है, FB7 में क्या चेंज आ रहा है, अब यहां ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि यहां FB6 में फिर नो चेंज आ रहा है, FB7 में हमारे पास जो आ रहा है वो है पर्पल कलर यहां पे डीकलराइज हो रहा है, मीन कलर हो रहा है, चेंज इन टू कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि टोलिन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर कहां आ रहा है, FB5 पे, नीचे आपसे पूछ रहा है FB5 इस तरह देखे FB5 FB6 FB7, अब यहां पे पूछ रहा है FB5 क्या है, FB6 क्या है, FB7 क्या है, यहां ऑब्जर्वेशन टेबल से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखे पहले मैं क्या किया था, टोलिन रिएजेनेट कर लिया था, जब टोलिन रिएजेनेट कर लिया तो देखे पास इस तरह सिल्वर मिरर आया था, किस में, FB5 में, FB5 में सिल्वर मिरर आ रहा है, तो इसका मतलब FB5 कंटेन मीथनल, अगर हमारे पास FB6 में दोनों के साथ नो रिएक्शन आ रहा है तो इट कंटेन कीटोन, अगर FB7 के साथ पर्पल कलर डिसअपियर और द सॉल्यूशन कंटेन अल्कोहल इथेनॉल या मिथेनॉल जो भी दिया हुआ है वहां पे देख लेना मिथेनॉल होगा FB6 में 5 में FB6 में कीटोन होगा FB7 में इथेनॉल होगा। अब हमने क्या किया पहले टोलिन रिएजेंट से काम कर लिया फिर उसके बाद KMnO4 से कर लिया टोलिन के साथ एल्डिहाइड कंफर्म कर लिया और KMnO4 के साथ
अल्कोहल कंफर्म कर लिया। अब आपके पास बचता है एफ बी से एट का। देखे आप एफ बी एट का टेस्ट करना है, उसी एक्सपेरिमेंट में देख लेना, एफ बी एट का भी टेस्ट करवा रहा है। एफ बी एट में कह रहा है पहले आपने सोल्यूशन उठाना है, इसी सोल्यूशन में आपने क्या करना है, एच टू एस ओ फोर के 1 to 2 ड्रॉप डालना है। 1 to 2 ड्रॉप डालने के बाद उसी में केमनोफोर एड करवा रहा है। अब केमनोफोर एड करवा रहा है तो केमनोफोर एड करने के बाद कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, तो पहले फिर क्या करेंगे, वाटर बाथ में रखेंगे। देखे वाटर बाथ में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देना यहां पे, देखेंगे कि ये पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसमें चेक करते जाएंगे कि इसमें क्या करेंगे, एफ बी एड में हमने केमनोफोर डाला है और उसमें, और उसके बाद ये वाटर बाद में रख के दूसरा टेस्ट कर लेना। आप उसी सोल्यूशन को एफ बी एड को देखे, एफ बी एड लेना है और इसी में सोडियम कार्बोनेट डालना है। देखे सोडियम कार्बोनेट इसी तरह पाउडर फॉर्म में होगा, इसी में हमने क्या करना है, 1 स्पेचुला डालना है या देखे इसमें एड करेंगे। देखे एफर्वेसेंस आ रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि एफ बी सेवन एफ बी एट कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपसे पूछे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, अगर एग्जामिनर ने पूछा तो केमनोफोर से चेक करेंगे। देखे केमनोफोर से पर्पल कलर भी डिसअपियर हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जब आपके पास केमनोफोर का पर्पल कलर अगर डिसअपियर वहां पे एसिड पूछे तो वहां पे मिथेनोइक एसिड होगा। तो देखे अब हमने क्या किया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट नंबर देखे पेज नंबर 121 पे, पहले टोलिन सी एजेंट के साथ चेक कर लिया। देखे टोलिन सी एजेंट क्या होता है, टोलिन सी एजेंट जो होता है सिल्वर नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया का मिक्सचर होता है। पहले आपने टोलिन सी एजेंट बनाया, टोलिन सी एजेंट बनाने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में एफ बी फाइव एफ बी सिक्स एफ बी सेवन ले लिया। लेने के बाद तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने टोलिन सी एजेंट डाला, जब टोलिन सी एजेंट एड कर लिया तो एफ बी फाइव के साथ सिल्वर मिरर आ गया, एफ बी सिक्स के साथ नो चेंज आ गया, एफ बी सेवन के साथ ब्लैक सोल्यूशन फॉर्म हो गया। अब यहां पे देखे ब्लैक सोल्यूशन इसलिए फॉर्म हो गया क्योंकि हमारे पास अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके अल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन ये टोलिन सी एजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं बनाता, जस्ट ब्लैक सोल्यूशन फॉर्म होता है। यह हमें यह आइडेंटिफाई हो रहा है कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड की तरफ गया हुआ। तो अब यहां पे जो होगा एफ बी सेवन और एफ बी सिक्स बचा। कह रहा है एग्जामिनर की एफ बी फाइव के साथ फोर वाला टेस्ट नहीं करना, बल्कि किसको कौन सा करना है, एफ बी सिक्स और एफ बी सेवन करना है। एफ बी सिक्स और एफ बी सेवन के जरिए हमने क्या किया, इनको चेक करने के लिए केमनोफोर से यूज किया। जब केमनोफोर से कर लिया तो एफ बी सेवन के अंदर पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा था। अगर पर्पल कलर यहां पर डिसअपियर हो रहा तो इसका मतलब एफ बी सेवन कंटेन अल्कोहल, क्योंकि पर्पल कलर डिसअपियर हो रहा है वहां पे। अगर आपसे पूछे एफ बी फाइव एफ बी सिक्स एफ बी सेवन तो वहां पे एफ बी फाइव में मिथेनल मौजूद होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे सिल्वर मिरर फॉर्म हुआ है, किसके साथ, टोलिन्स के साथ। अगर एफ बी सिक्स पूछा तो यहां पे दोनों के साथ नो रिएक्शन हुआ, इसका मतलब यहां पे कीटोन हो सकता है। एफ बी सेवन के साथ पर्पल कलर डिसअपियर हुआ है, कहां पे, किसके साथ, केमनोफोर के साथ, तो यहां पे अल्कोहल हो सकता है। और उसके बाद एफ बी एड के साथ कर लिया, एफ बी एड के साथ केमनोफोर से भी टेस्ट करवा रहा है और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करवा रहा है। तो अगर आपके पास केमनोफोर का पर्पल कलर डिसअपियर हो, इसका मतलब यहां पे मिथेनोइक एसिड हो सकता है। अगर आपका केमनोफोर के साथ पर्पल कलर डिसअपियर नहीं हो रहा तो वहां पे इथेनोइक एसिड हो सकता है, लेकिन एसिड ही है। क्यों, कैसे पता चला कि मुझे एसिड है या अल्कोहल है, तो वहां पे मैंने किसके साथ टेस्ट कर लिया, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के साथ टेस्ट कर लिया। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ टेस्ट करने के बाद वहां पे क्या फॉर्म हो रहे थे, एफर्वेसेंस आ रहे थे, या एफर्वेसेंस आ रहे थे, इसमें फिजिंग भी लिख सकते हो और बबल्स फॉर्म भी लिख सकते हो। अगर यहां पे लिखोगे तो यहां पे लगना है एफर्वेसेंस इवॉल्व एंड द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यहां पे CO2 इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कोई भी एसिड, देखे कोई भी एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, एसिड HCl, तो यहां पे क्या बन जाता है, CO2 इवॉल्व होती है। इस CO2 को चेक करने के लिए हम लाइम वाटर वाला टेस्ट भी करेंगे। देखे दोबारा बता रहा हूं, ऑर्गेनिक एनालिसिस दोबारा एक दफा और रिपीट कर रहा हूं, अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने आपको रिपीट करके भी बताया दिया, परफॉर्म करके भी दिखा दिया कि अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये हमारे पास होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस। कि हम आप इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।